સંઘ પ્રદેશ દાદાનગર હવેલીમાં છેલ્લા 22 વર્ષથી કાર્યરત એવી રોટરી ક્લબ સેલવાસાના સન 2017-18 પ્રેસિડેન્ટ તરીકે અંકિતા પટેલે શપથ ગ્રહણ કર્યા હતા. રોટરી ક્લબ ઓફ સિલવાસાના નવા હોદ્દેદારોના પદગ્રહણ સમારોહમાં સેક્રેટરી કેતન સોલંકીએ સંસ્થાની કામગીરીની જાણકારી આપી હતી, જ્યારે નવા પ્રેસિડેન્ટ અંકિતા પટેલે આગામી વર્ષમાં બાળકોને કુપોષિત થતા અટકાવવા સહિતની સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવશે તેવું જણાવ્યું હતું. धन्यवाद करना चाहूँगी मेरी पूरी जो टीम है रोटरी क्लब ऑफ सिलवासा की, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं श्रीमती पिंकी पटेल जी, हमारे असिस्टेंट गवर्नर श्रीमती अल्पा बेनका, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है एज अ प्रेसिडेंट सर्व करने की फॉर द ईयर 2018-19. आज मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि मैं एक ऐसी एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन की पार्ट बनी हूँ जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म, जिसका एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, ग्लोबली अराउंड 34,000 क्लब्स है जो इससे एफिलिएटेड है, और रोटरी क्लब ऑफ सिलवासा जो काफ़ी सालों से यहाँ पे बहुत ही एक्टिव है और सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ कर रहा है, मुझे उसमें सर्विस देने का आज एक बहुत ही बहुमूल्य मौका मिला है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ. मेरा जो विज़न है फॉर द ईयर 2018-19, उसमें मैं सबसे पहले फोकस करना चाहूँगी मैल न्यूट्रिशन पे, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरी जो कंट्री है हमारी, उसमें सबसे ज़्यादा मैल नरिश जो चिल्ड्रन हैं वो हमारे प्रदेश में देखे गए हैं, और उसके लिए मैं चाहती हूँ कि मेरा ये विज़न है कि हमारी जो पूरी टीम है वो मैल नरिशमेंट को कम करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए पूरा एफर्ट लगाएगी. दूसरी चीज़ ये है कि जो महिलाएं हैं, यंग विडोज़ है बहुत हमारे टेरिटरी में, जिनको एक अर्जेंट हेल्प की ज़रूरत है, तो उनके लिए भी हम स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ज़रूर करेंगे, और उन्हें जो असिस्टेंस दे सकते हैं मशीनरी के द्वारा, वो रोटरी डिस्ट्रिक्ट ग्रांट के द्वारा हम उन तक पहुँचा सकते हैं. तो मैं ज़रूर मेरे टर्म में ये भी प्रयास करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को मैं इस स्कीम से उनको बेनिफिट दिला पाऊँ. साथ ही ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स भी हम करते हैं, लेकिन इस बार मेरा ये विज़न रहेगा कि मैक्सिमम ट्री प्लांटेशन हम करें, और इस तरह की प्लांटेशन भी करें जैसे फ्रूट ट्रीज़ वगैरह, कि जिससे जो बच्चे हैं उनको, जो उनका जो घर है उसके सराउंडिंग में ही उसका बेनिफिट मिल पाए. हम ब्लड डोनेशन कैंप्स करेंगे, लेकिन साथ ही आई चेकअप कैंप्स और कैटरैक्ट के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशन हमारे यहाँ से, वो भी बिल्कुल ही फ्री हो, उसके लिए भी हमारा टारगेट है. हम ज़रूर इस बारे में भी हम कैंप आने वाले दिनों में ऑर्गेनाइज करेंगे. आज हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस से धर्मेंद्र हेरमा जी थे, और उन्होंने, और साथ ही जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुरेंद्र भाई परमार, वो भी यहाँ पे उपस्थित थे, और साथ ही जो रोटरी क्लब ऑफ सरीगाम है वहाँ से भी हमारे गेस्ट उपस्थित थे, जिन्होंने सारे मेंबर्स का इंस्टॉलेशन